यहाँ तक तो ठीक है ना? हाँ परफेक्ट है। Someone God Satan! आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। प्रकाश जी, प्रकाश जी, अच्छा वही है, नहीं नहीं वो है ना, जाएगा। अच्छा। लाइव है। प्रकाश आ जाएगा। प्रकाश। सम्मान गार्ड। राष्ट्र सैल्यूट। सलामी शस। Thank you.
अंदर जाते हैं देवेंद्र जाटलिया जी एवं श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी मेवाड़, समस्त मंत्रीगण एवं सदन में पधारे समस्त विशिष्ट एवं सम्मानीय अतिथियों का विश्वविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। सदन में उपस्थित सभी से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े रहें। सम्मानीय मंच से सादर निवेदन है कि वे मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करें। Thank you.
धन्यवाद इस अत्यंत सुगम प्रस्तुति के लिए पद्म श्री पुरुषोत्तम दास पखावज की तीसरी पीढ़ी से राष्ट्रीय पखावज वादक श्रीमान यशोदानंदन कुमावत जी नादवारा घराना का विशेष आभार। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से नम्र निवेदन है कि वे भारतीय संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का वाचन करने की कृपा करें तथा सदन में उपस्थित सभी खड़े होकर मंच का अनुसरण करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी अल्प निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली मजबूता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मैं मूल कर्तव्य प्रभु का उसको ध्यान से सुनने की पुरा रहे हैं। अनुच्छेद 54 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रपति और राष्ट्रगान का आदर दे। दो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखे और उनका पालन करे। तीन भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण रखे। चार देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पाँच भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छह हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सात प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन जीव नदी और वन्य जीव है रक्षा करे उसका संवर्धन करे उसका प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। आठ वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जनता सुधार की भावना का विकास करे। नौ सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। दस व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में
उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राम निरंतर बढ़ते हुए और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11 जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। सभागार में उपस्थित समस्त महानुभाव से अनुरोध है कि वे विश्वविद्यालय कुलगीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े रहें तथा कुलगीत की समाप्ति पर तालियां ना बजाएं। श्रीमान कुलपति महोदय से पुनः अनुरोध है कि वे समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी, पूर्व कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का स्वागत करें। सदन तालियों से गुंजायमान है।
धन्यवाद श्रीमान। मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री छोगाराम देवासी जी से निवेदन करती हूं कि वे आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। कुलपति महोदय, दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की अनुमति प्राप्त करें। माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि वे विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करें तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें। मैं विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूँ। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परम श्रद्धेय आदरणीय कलराज मिश्र जी, दीक्षांत भाषण प्रदान करने वाले प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी, पूर्व कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा, आज मानद उपाधि ग्रहण करने वाले श्रीमान देवेंद्र जी जाजरिया, श्रीमान लक्षराज सेन जी मेवा, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटक जी, बीकानेर से पदाधिकारी प्रोफेसर सतीश गर्ग जी, एके गहलोत साहब, संगम विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय के कुलपति कर्णे सक्सेना जी, हमारे विश्वविद्यालय से जिनको की विधि आयोग का सदस्य बनाया गया है, हमारे प्रबंध मंडल के सदस्य आनंद पालीवाल जी, विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल एवं अकादमिक परिषद के सदस्यगण, अतिथिगण, संकाय सदस्य, विश्वविद्यालय के कुल सचिव, शैक्षणिक कर्मचारीगण, उपस्थित शिक्षाविद, गणमान्य नागरिक बंधु, अध्यक्ष छात्र संघ एवं पदाधिकारी, पूर्व छात्र, मीडिया प्रतिनिधि, प्रिय विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकगण, आप सभी का विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1962 में हुई, तब से लेकर आज तक प्रगति के विभिन्न सोपान पार कर आज विश्वविद्यालय 30वें दीक्षांत समारोह के लिए उपस्थित है। दीक्षांत समारोह किसी भी विश्वविद्यालय का सर्वाधिक गरिमा कार्यक्रम होता है। दीक्षांत समारोह एक पवित्र एवं अविस्मरणीय अवसर है जो कि छात्रों के जीवन में मील के पत्थर के समान है। यह क्रमिक विकास प्रयासों का, समय का, निष्ठा का एवं धैर्य का, जिसमें छात्र उच्च शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त करता है। यह महत्वपूर्ण दिन बीते हुए समय को देखने का, बीती हुई यादों को संजोने का, साथ ही यह दिन भविष्य की ओर देखने का तथा मार्ग प्रशस्त करने का भी है। महोदय, सभी उपाध्याय दीक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय में निरंतर अध्ययनरत हैं और ये उपाधि जो उनको प्राप्त हो रही है, इसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे निवेदन करते हुए गर्व है कि इस विश्वविद्यालय के 4 संगठक और 190 संबद्ध महाविद्यालयों के माध्यम से हम आदिवासी बहु दक्षिणी राजस्थान के लगभग 2,00,000 विद्यार्थियों को सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उच्च शिक्षा की बचाव यह विश्वविद्यालय पूरी दिशा से इस क्षेत्र के शैक्षणिक उन्नयन की दिशा में गतिशील है। उच्च शिक्षा के साथ साथ शोध और प्रसार कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय निरंतर संकल्पित और क्रियाशील है। महोदय, आपके ऊर्जावान नेतृत्व, प्रेरणा और संकल्प के कारण राज्य में नई शिक्षा नीति का त्वरित क्रियान्वयन हो रहा है। राजस्थान प्रदेश के उच्च शिक्षा जगत में सर्वप्रथम समान पाठ्यक्रम निर्माण के लिए आप श्रीमान द्वारा पहल की हुई है। यह निश्चित ही छात्रों के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने आज इस संकल्प को साकार करने में हमेशा अग्रणी रहा है और जो भी कार्य विश्वविद्यालय को दायित्व सौंपा गया था उसको पूर्ण कर लिया गया है। हम शिक्षा के समानांतर शोध को भी बढ़ा दिए हैं। मुझे निवेदन करते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय को रूसा 2 के अंतर्गत 75 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ,
जिसके सहयोग से सितर प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है, जिस तरह से छोटा शो एवं नवा का तथा ज्यादा प्रोजेक्ट ये हफ्ते हैं। साथ ही दिशा टीम के अंतर्गत भी प्रोजेक्ट की योजनाएं बन रही है। विश्वविद्यालय ने अकादमिक विकास और अनुसंधान प्रवृत्तियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ एमओयू भी किए हैं। इस विश्वविद्यालय द्वारा 5 वर्ष के लिए भू विज्ञान से विज्ञान संकाय के समस्त विभागों में स्ट्रेटेजिक खनिजों के अनुसंधान एवं शोध को बढ़ावा देने के भारत सरकार की परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ एमओयू किया है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है कि हमारे विधि संकाय के अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता प्रोफेसर आनंद पालीवाल को भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा विधि आयोग का स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय में क्षेत्र में अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन को जारी रखते हुए कई संकाय सदस्यों एवं शोधार्थियों ने प्रतिष्ठित पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किए। लेखा शास्त्र के सूर सिंह भाणवत एवं डॉक्टर नीलिमा यादव को संयुक्त रूप से वर्ष 2022 का ICAI अंतर्राष्ट्रीय शोध पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेख है कि इस विभाग ने निरंतर 3री बार यह पुरस्कार प्राप्त किया है। इसी प्रकार 2022 का युवा शोध पुरस्कार भी विभाग की डॉक्टर नीलिमा यादव को प्रदान किया गया है। विभाग की शोधार्थी लिम्पाली महोड़िया ने तृतीय राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता में 1,00,000 रुपए का बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड प्राप्त किया है। हमारे विश्वविद्यालय के कई फैकल्टी मेंबर्स में प्रोफेसर सीमा दलाल, प्रोफेसर नीरज शर्मा, प्रोफेसर ढाका, डॉक्टर गट्टूलाल, डॉक्टर शहीद परवेज, डॉक्टर कुंजन आचार्य, डॉक्टर हर्षिता जोशी, डॉक्टर नीतीश राय, डॉक्टर टीका इत्यादि ने विभिन्न अकादमिक गतिविधियों में इन्हें पुरस्कृत किया गया है। फैशन टेक्नोलॉजी एवं डिजाइनिंग विभाग की छात्रा नेहा बासार को माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा आईएसआर प्रतियोगिता में 1,00,000 का रखकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। हमारे अनेक शोधार्थियों ने देश प्रदेश एवं विदेश के अनेक संस्थानों में नियुक्ति प्राप्त की है। इसमें सुश्री मेघना चौबे भारत सरकार के एटॉमिक एनर्जी विभाग में वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुई तथा भवन कुमार मालविया रिसर्च सेंटर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग ग्रेन ऑस्ट्रिया में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुए। मुझे साझा करते हुए अत्यंत गर्व है कि हमारे विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग ने इस वर्ष NIRF रैंकिंग में 60वां स्थान प्राप्त किया। इस वर्ष विभाग को 15 पेटेंट प्राप्त हुए। फैशन टेक्नोलॉजी एवं डिजाइनिंग विभाग द्वारा कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 19 वर्कशॉप नौ ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न हस्तकलाओं की ट्रेनिंग 7 चरणों में दी गई। विभागीय सदस्यों द्वारा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के सहयोग से 50 सिलाई मशीनों का वितरण किया गया तथा 15,000 रुपए का कौशल भत्ता भी प्रत्येक भागीदारी को दिया गया। विश्वविद्यालय ने विभाग के सहयोग से गोदली गांव की जरूरतमंद महिलाओं के क्षमता संवर्धन एवं रोजगार कौशल विकास के लिए भी कार्य किया है। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि आज ही न्यूज़पेपर में यह था कि योग पाठ्यक्रम BSc प्रथम वर्ष के छात्र शिवराज आचार्य तथा मिथुन कमेटी ने आसनों में लॉन्गेस्ट होल्डिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। यह हमारा अपने आप में बहुत गर्व का विषय है। विश्वविद्यालय द्वारा साइबर सिक्योरिटी कार्यशाला का 10 चरणों में आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 6 जिलों के 440 से अधिक पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण दिया गया। इसी कड़ी में एक साइबर सिक्योरिटी कार्यशाला विशेष तौर पर महिला पुलिस कर्मियों के लिए भी आयोजित की गई। महोदय, हमारा विश्वविद्यालय सामाजिक सरोकारों के प्रति भी कटिबद्ध है। विश्वविद्यालय योग केंद्र द्वारा अक्टूबर 2021 से आम जन के लिए एक निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर प्रातः 6 बजे से बिना किसी अवकाश के निरंतर 425 दिनों से लगातार कराया जा रहा है। इस केंद्र के द्वारा 1,000 से अधिक लोग स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। इस विश्वविद्यालय द्वारा आधुनिक राजस्थान के जनक मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखड़िया के जीवन पर एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया है। सरकारी सदस्यों ने भी समाज एवं छात्रों को समर्पित करते हुए कई पुस्तकों का लेखन किया है। अनेक विभागों द्वारा उल्लेखनीय पत्र पत्रिकाओं का नियमित प्रकाशित किया जा रहा है। हिंदी विभाग के संवेद
तथा नव सृजित पत्रिकाओं का प्रकाशन नियत कर दिया जा रहा है और मुझे सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि इस वर्ष UGC केयर लिस्ट में इनको सम्मिलित किया गया है। छात्रों के समग्र विकास में खेल कूद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हाल ही में हमने खेल कूद में एंड बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की, इसके पूर्व हॉकी की प्रतियोगिता हमारे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई और बड़ी सफलतापूर्वक इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी किंग बॉक्सिंग पुरुष प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के छात्र ने एक रजत पदक और एक कांस्य पदक अर्जित किया तथा 3 छात्राओं ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी शतरंज प्रतियोगिता में छात्रों ने 2 गोल्ड पुरस्कार प्राप्त किए। कया की महिला टीम के लिए सुश्री नेहा कुमावत ने एक कांस्य पदक प्राप्त किया। हर्ष की बात है कि विश्वविद्यालय ने अपने उद्देश्य एवं लक्ष्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहा है। विश्वविद्यालय शैक्षणिक एवं भौतिक विकास में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मैं महोदय इस वर्ष हमने निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का केंद्र बनाने का भी निर्णय लिया है। इस केंद्र की स्थापना से आदिवासी जनजाति छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 500 कंप्यूटर सिस्टम के साथ इस वर्ष हमें सेंटर बनाने का है। मूल्य परक शिक्षा शोध एवं विकास गतिविधियों द्वारा विश्वविद्यालय समाज के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के साथ ही युवा छात्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है। विश्व शिक्षण मूल्यांकन और छात्र सुविधाओं की दृष्टि से हम सूचना तकनीकी के अधिकाधिक उपयोग के अग्रणी रहे हैं। मुझे साझा करते हुए भी खुशी है कि 2016 के बाद हमने 3,20,000 डिग्री डिजी लॉकर पर उपलब्ध करा दी है। माननीय के समूह, मुझे यह कहते हुए भी अत्यंत गर्व है कि हमारे विश्वविद्यालय ने नेट मूल्यांकन के लिए AQAR सबमिट कर दिया है तथा ऐसे साल भी आगामी सप्ताह में प्रस्तुत करने वाले हैं। इसके बाद पीएड टीम का दौरा होती नेट मूल्यांकन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। मुझे मेरे साथियों पे पूरा विश्वास है कि हमारी उपलब्धियों के आधार पर हम सर्वोच्च नेट ग्रेड प्राप्त करेंगे। प्रदेश के नेट एग्जामिनेशन के इस राउंड में हम पहले विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने किए गए की। विश्वविद्यालय के आधारभूत और संरचनात्मक विकास के लिए निरंतर कार्य संपन्न किए गए। आवश्यकता के अनुरूप हमने हमारे परिसर में नए भवनों का शिलान्यास किया है, नए भवनों का निर्माण कराया है। विश्वविद्यालय का बहुउद्देश्य नॉर्थ कैंपस जो विनोदा में स्थापित किया गया उसमें कन्या महाविद्यालय तथा स्किल डेवलपमेंट का निर्माण कार्य करीब पूर्ण हो चुका है और माननीय से निवेदन है कि 15 जनवरी के किसी तिथि को हम इसका उद्घाटन भी करना चाहते हैं। दिनांक 15 जनवरी 2023 को आप श्रीमान के स्थानीय प्रस्तावित है। शीघ्र ही पाठ्यक्रम का अध्ययन वहाँ प्रारंभ हो जाए। विधि महाविद्यालय में 5 इंटीग्रेटेड कोर्स से एक नया भवन निर्मित हो चुका है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानवीय महाविद्यालय में भी एक खुले रविंदन का निर्माण हो चुका है। श्रीमान आप ही क्या तो आज कॉलेज ऑफ एक आर्किटेक्चर भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है जिसका कि आज हम लोकार्पण करने वाले हैं। आज इसका उद्घाटन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के वर्कशॉप लेबोरेटरी ब्लॉक एवं छात्रों के लिए बहुत बड़ी सुविधा खेल अकादमी का भी आज हम लोकल आज हम शिलान्यास करने जा रहे हैं जो भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। विश्वविद्यालय के जो हमारी कमियां हैं चाहे हमारा ये स्विमिंग पूल हो अन्य सुविधा उसका भी आज एक आज संपन्न होगा। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के लिए भी छात्रों की अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई है। अंत में मुझे निवेदन करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि इस बार दीक्षांत समारोह में हमने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय और अनुकरणीय प्रदर्शन योगदान देने वाली 2 विभूतियों को दिल्ली कांग्रेस द्वारा उपाधि अर्पण करने जा रहे हैं। मैं खेलकूद और समाज सेवा के क्षेत्र में समर्पित श्रीमान देवेंद्र जाडेजा जी और श्रीमान लक्षराज सिंह जी को उसको मानव उपाय देता हूँ और मैं चाहूंगा कि तमाम उनके कार्यों के धन्यवाद के साथ उनका सम्मान किया जाए। हमें प्रसन्नता की बात है कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो चुके। हमारे माननीय कुलाधिपति महोदय के सतत आशीर्वाद प्रेरणा और प्रोत्साहन से विश्वविद्यालय निरंतर ऊंचाई को छू रहा है, नवाचार की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय के समर्पित शिक्षकों तथा शैक्षणिक कर्मचारियों के साथ सहयोग से हम विश्वविद्यालय के गौरवशाली उज्ज्वल इतिहास में प्रतिवर्ष नए आयाम जोड़ रहे हैं। हमें इसके पीछे नींव की ईट होने वाले हमारे सभी शैक्षणिक एवं शैक्षणिक कर्मचारियों को बधाई देता हूँ जिनकी
निरंतर लगन परीक्षण से यह विश्वविद्यालय शैक्षणिक जगत में उज्ज्वल प्रतिष्ठा करा है। आप सभी महानुभावों ने मेरी बात बहुत देर से सुना एवं माननीय कुलाधिपति महोदय ने यहाँ पदार्थ पर जो हमको अनुग्रहित किया है उसके लिए यह विश्वविद्यालय कभी भी आपके इस अनुग्रह को नहीं भूलेगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह विश्वविद्यालय आपकी जो सोच है, आपकी जो आकांक्षा है, आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर निश्चित तौर पर खरा उठने का प्रयत्न करेगा। अंत में हम एक अपडेट से अपनी बात समाप्त करूँगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। अभी बंजर, अभी जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल निकलेगा। ना वो मासूम न घबरा अंधेरों से, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत आभार। माननीय विश्वविद्यालय में श्रीमान देवेंद्र जी झंझड़िया एवं श्रीमान लक्ष्यराज सिंह जी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि प्रदान करने का निर्णय किया है। मैं कुलपति महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे श्रीमान देवेंद्र जी झंझड़िया एवं श्रीमान लक्ष्यराज सिंह जी के उपाधि पत्र का वाचन करें। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर एन बाई कन्फर्स अपॉन श्री देवेंद्र झंझड़िया द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी अंग्रेज कोदा सॉरी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर फॉर हिज अकम्प्लिशमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली इन जेवलिन थ्रो इन पैरा ओलंपिक्स एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस फॉर द गेम। श्री ऑनरेबल श्री कोदा जी मिश्रा सर गवर्नर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के भाई कन्फर्स अपॉन श्री लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ लिटरेचर अंग्रेज कोदा फॉर हिज अकम्प्लिशमेंट इन द सोसाइटी पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क ऑनरेबल श्री कल्याण जी मिश्रा गवर्नर आईवी मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मानद उपाधि धारकों को उपाधि प्रदान करने की कृपा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा श्रीमान देवेंद्र जी गजबिया एवं श्रीमान लक्ष्यराज सिंह जी को माननीय उपाधि प्रदान करें। मैं मानद उपाधि प्राप्त करता श्रीमान देवेंद्र जी झंझड़िया से निवेदन करता हूं कि वे अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें।
मंच पर विराजमान महामहिम राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्र साहब, कुलपति महोदय और जो दर्शक दीर्घा बैठे सभी लोग, आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और कहीं न कहीं मैं अपने आप को किस्मत वाला भी समझता हूँ कि खेल के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल पे 20 वर्ष कंप्लीट किए हैं अभी। बीस साल पहले एक लकड़ी के भाले से शुरुआत की थी, यहां तक कि मेरे पास गोली भी नहीं थी और उस शुरुआत से मैंने इस देश के लिए 3-3 ओलंपिक मेडल जीते। आज उन सभी उपलब्धियों को मद्देनजर रखते हुए मुझे मानव उपाधि मिली है, इसके लिए मैं महामहिम जी आपका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। कहीं न कहीं जब आपको कोई पुरस्कार अवार्ड मिलता है तो आपकी देश के प्रति जिम्मेवारी और बढ़ जाती है, तो कहीं न कहीं मेरी देश के प्रति जिम्मेवारी और बढ़ गई है और ज्यादा मेडल लेने की मैं कोशिश करूंगा। युवाओं से मैं बात कहना चाहता हूं, जल्दी करने से कुछ नहीं होगा, एक मिनट में कभी परिणाम नहीं आते, एक घंटे में परिणाम नहीं आते। आप देखो ये 20-20 साल लग जाते हैं मेहनत करते हैं तो बाद में आप अपना टारगेट फोकस सिर्फ ये रखो कि मुझे ये करना है और आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर सकता हूं। और जो लास्ट में बात कहना चाहता हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे ये जो मानव उपाधि मिली है ये महाराणा प्रताप की वीर भूमि पे मिली है, जन्म भूमि पे मिली है। उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप उन्हीं के चैप्टर पढ़ते थे और उनका वो बाला था, हम तो जानते ही नहीं थे वाला क्या होता था, लेकिन कहीं ना कहीं रूप में पढ़ते थे कि महाराणा प्रताप का वाला सबसे भारी होता था दुनिया का। तो कहीं ना कहीं आज उनकी जन्मभूमि पे मुझे ये उपाधि मिल रही है। मैं मानता हूँ ये उपाधि आने वाले जो युवा है उनको ये प्रेरणा मिलेगी, सकारात्मक सोच के साथ वो भी बढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। धन्यवाद। मानव उपाधि प्राप्तकर्ता श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। परम आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मिश्र साहब, आदरणीय मिश्र साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित अतिथिगण, हमारे मीडिया के बंधु, सबसे पहले तो मैं पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं कि सबको सम्मानित करने की यह गाथा कभी मंद नहीं होगी, सबको सम्मानित करने की यह गाथा कभी मंद नहीं होगी, ये एक लिंग की ज्वाला है, मुट्ठी में बंद नहीं होगी। आज व्यक्तिगत तौर पर भी और वैसे भी मेरे लिए बड़ा खुशी का पल और खुशी का मौका है। सबसे पहले तो मैं हमारे अपने देवेंद्र जी जो
आज मंच पर उपस्थित हैं, सबसे पहले मैं ये बांटना चाहता हूँ कि मेरे को इस बात की खुशी है कि महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ने 13 साल पहले देवेंद्र जी का सम्मान किया था और आज हम लोग दोनों एक साथ इस सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं, तो खुशी कहीं ना कहीं जो है वो दुगनी हो जाती है। तो ये मेरे लिए बड़ी एक सम्मान की बात है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसमें कोई शक नहीं कि जब इंसान को अलंकृत किया जाता है या पुरस्कृत किया जाता है या शाबाशी दी जाती है उसे खुशी जरूर होती है। मुझे जब यूके के पार्लियामेंट में भारत गौरव से नवाजा गया तब मुझे बेशक बड़ी खुशी हुई। 6 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को समाज सेवा के सिलसिले में हासिल किया उसके अंदर भी मुझे बड़ी खुशी हुई। पर अगर मुझे ये कहना पड़े कि जब अपना घर अपना प्रदेश के पहले व्यक्ति से और अपने घर के अंदर जब सम्मान होता है तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। मैं परम श्रद्धेय राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। बहुत ही छोटा शब्द है पर मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। मैं वीसी साहब का और यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। इस क्रम के अंदर एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, इसमें कोई शक नहीं कि लक्ष्मणा सिंह मेवाड़ को इससे नवाजा गया और लक्ष्मणा सिंह मेवाड़ को ये उपाधि दी गई। पर इसी सांस के अंदर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ केवल इकलौता मेरा ही सम्मान नहीं हुआ है, हर युवा जो इस क्षेत्र के अंदर काम करना चाहता है, समाज सेवा के अंदर जो काम करना चाहता है, मैं ये मानता हूं कि उनका भी इस माध्यम से हर युवा का इस प्रदेश के अंदर आज सम्मान हुआ है। आखिरी में कुछ बातें जो देवेंद्र भाई साहब ने कही, देखिए जब अगर आप और इस मंच से इसको कहने में और खास तौर पर शिक्षा के इस मंदिर के अंदर कि जब हम हमारे लक्ष्य को तय कर लेते हैं, जब हमारी आंखों को हम उसके ऊपर गड़ा देते हैं तो उसके ऊपर राज करना जो है वो मुश्किल नहीं होता, वो अपने आप में स्वयं में जो है इस चीज का एक उदाहरण है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज की तारीख के अंदर इस प्रदेश में हमारे पास में प्रेरणा की कोई कमी नहीं है। हम कोने कोने पे चप्पे चप्पे पे सर्वे सर्वे पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी प्रेरणा मिलेगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो कार्य मैंने किया, जो मेरा परिवार 1500 सालों से करते हुए आ रहा है, उसी के पदचिन्हों पे चलने का मेरा एक प्रयास था जिसको मेरे घर ने मेरे प्रदेश ने उसको देखा और उसको सम्मान दिया। उसके लिए मैं जो है वो हमेशा जो है वो रेडी रहूंगा और इस जिम्मेदारी का आगे और पूर्ण तरीके से जो है वो मैं निर्वाह करने का पूरा प्रयास करूंगा। अंत में 2 पंक्तियों के साथ में अपनी बात को मैं विराम देना चाहता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, सच्चा सदन, नमस्कार। विज्ञान संकाय अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि वे विज्ञान संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के डिग्री धारकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं प्रोफेसर सीपी जैन विज्ञान संकाय अध्यक्ष माननीय के सम्मुख उन स्नातकों को मैं से कतिपय को प्रस्तुत करता हूँ जो विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरी साधना प्रार्थना है माननीय इन स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझ में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि प्रदान कर रहा हूँ और अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप अपनी वाणी जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। अभिषेक जोशी, आयुषी सेठिया, बबीता जोगपाल, भानुप्रिया कंठालिया, धर्मेंद्र कुमार गुजर, फाल्गुनी बदाला, गणेश लाल, ज्ञाता प्रजापत, हनुमत सिंह, हिमानी वर्मा, हिमांशु,
हीना माथुर, ऋषिकेश पालीवाल, जयपाल सिंह राठौर, जय सोनी, कविता राठौर, प्रेमराज मीणा, खुशबू जैन, खुशबू पूनिया, शिप्रा निमोडिया, कुमावत सोनी दयाराम, मनीषा राठौर, मीना कुमार राठौर, मोनिका शर्मा, पूनम जोरवाल, प्रीति प्रीति कुमावत, प्रियंका कलाल, वीना कलाल, रुक्षार बालू, शैलेंद्र चौहान, शानी राज, सुधा, सुमन कुमारी, टीना कछावा, योगेश्वरी व्यास, धन्यवाद। मैं जैसे निवेदन करता हूँ कि वाणिज्य संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी डिग्री धारकों को मुक्त उपाधि की इच्छा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं प्रोफेसर पीके सिंह, वाणिज्य संकाय अध्यक्ष, माननीय के सम्मुख उन स्नातकों में से कतिपय को प्रस्तुत करता हूँ जो वाणिज्य संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि माननीय इन स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे यही सरकार का प्रयोग करते हैं, मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उप उपाधि के योग प्रमाणित करें। धर्मेंद्र सालवी, दिव्या मेहता, दुर्गा सिंह गौर, जसवंत कुमार खटीक, ज्योति स्वर्णकार, मोक्ष प्रभा सोनी, नवनीत अरोरा, नीलम यादव, पूजा मीना, प्रदीप मेघवाल, प्राण बंजारा, और शिवलाल परमार, धन्यवाद शिलो। मैं सामाजिक विज्ञान संकाय अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि वे सामाजिक विज्ञान संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के डिग्री धारकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। मैं सुरेंद्र कुमार कटारिया, सामाजिक विज्ञान संकाय अध्यक्ष, माननीय के सम्मुख उन स्नातकों में से कथित प्रस्तुत करता हूँ जो सामाजिक विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि माननीय स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे इन्हीं सरकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी, दिनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उप उपाधि के योग प्रमाणित करें। अनुप्रिया पुरोहित, चंचल जैन, गौरी शर्मा, कामिनी नवर, कांति कटारा, खुशवंत चुनावत, कृष्णा सालवी,
कुलदीप सिंह गवालिया, मधु चौहान, महेश कुमार वर्मा, मोहित कुमार नायक, नरेश कुमावत, नीतू राजावत, निखिल चौधरी, निशा बिनारिया, टीना जैन, पूनम पाठक, प्रियंका सुहागा, राधाराम भाट, रामकरण जाट, रणछोड़ लाल बारट, रश्मि साधु, रुचि सोलंकी, शंकरी कुमार मीणा, शोभा गौतम, सुजाता चारण, सुरेश कुमार मीणा, विभा शर्मा, विक्रम सिंह देवड़ा, विनीता राजपुरोहित, कृतिका मुहि, शिल्पा जॉर्ज, शिवानी मेहता,
सोनी मैदा, तपेश कुमार जैन, तरुण पालीवाल, वर्षा चौहान, वीना लोहार, योगेंद्र कुमार श्रीमाली, प्रबंध अध्यक्ष संकाय अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि प्रबंध अध्ययन संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के डिग्री धारकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं प्रोफेसर हनुमान प्रसाद, प्रबंध अध्ययन संकाय अध्यक्ष, माननीय के सम्मुख उन नाटकों में से कतिपय को प्रस्तुत करता हूँ जो प्रबंध अध्ययन संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरी सभी ने प्रार्थना है कि माननीय इन नाटकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे नियुक्त अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय के प्रबंध अध्ययन संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उप उपाधि के लिए प्रमाणित करें। अमित मिश्रा, अनुराग श्रीवास्तव, भूमिका राठौर, मेहताब आलम, नीरज सामर, पलक बख्शी, शिवा शर्मा, श्वेता सोलंगी, ट्विंकल जैन, वैशाली खंडेलवाल, धन्यवाद। मैं विधि संकाय अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि वे विधि संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के डिग्री धारकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं डॉक्टर राष्ट्रीकर विधि संकाय अध्यक्ष माननीय के समक्ष उन नागरिकों में से कथित प्रस्तुत करती हूँ कि विधि संकाय में
डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि की योग्य प्रमाण पत्र है। मेरी सर्वे प्रार्थना है कि माननीय शिक्षकों को उप उपाधि की शिक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित और अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय के विभिन्न सरकार में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी जीवनचर्या का व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उप उपाधि के योग प्रमाणित करें। भानुप्रिया कुमार, नतराम मीणा, राजेंद्र कुमार, मैं पृथ्वी विज्ञान संकाय अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि वे पृथ्वी विज्ञान संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री धारकों को उक्त उपाधि की शिक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं प्रोफेसर दिया पामनिया पृथ्वी विज्ञान संकाय अध्यक्ष माननीय के समक्ष उन छात्रों में से प्रतिभा को प्रस्तुत करता हूँ जो पृथ्वी विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि माननीय इन छात्रों को उक्त उपाधि की शिक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित और अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय के पृथ्वी विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी दिनचर्या का व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उप उपाधि के योग प्रदान करें। अनिल पंचाल, दिलबा जसराज, मोनिका कंवर राठौर, नबीसा टाइम खानी, प्रतिबन सिंह, राजेश कुमार यादव, रजनीकांत पाटीदार, सुमन कुमार, तनुश्री केल, उर्मी शर्मा, वर्षा कुंडा। मैं शिक्षा संकाय अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि वे शिक्षा संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के धारकों को उक्त उपाधि की शिक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं प्रोफेसर सियाव सुथार शिक्षा संकाय अध्यक्ष माननीय के सम्मुख उन स्नातकों में से कतिपय को प्रस्तुत करता हूँ जो शिक्षा संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि माननीय इन स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय की शिक्षा संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी जीवनचर्या का व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उप उपाधि के योग प्रमाणित करें। अंजू व्यास, धर्मेंद्र मोदी, डिंपल बत्रा, कैलाश चंद्र रेवर, कामिनी व्यास, कुसुम प्रिया पारकर, लोकेश कुमार पालीवाल,
मधुवती का ममता जलावत ममता श्रीमाली नितेश जुनेजा मोनिका भारिया पूनम रावल प्रीति सोनी रेखा धीमा रेखा कुमारी गुप्ता संगीता उपाध्याय शुभा कोठारी सुमित्रा टेलर तुलसीराम विनोद कुमार गुप्ता धन्यवाद। मैं परीक्षा नियंत्रक से निवेदन करता हूं कि विभिन्न संकायों में पत्र घोषित किए गए उपाधि धारकों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं जो विद्यार्थी 2021 की परीक्षाओं में प्रथम घोषित किए गए हैं उन्हें स्वर्ण पदक उपाधि एवं प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। शुभम शिवका ये ऑनर पॉलिटिकल साइंस
देव कुमार जोशी, बीए ऑनर्स संस्कृत लिटरेचर तैयारी कमेटी, बीए एलएलबी अदिति राजावत, Thank you.
एमए इंग्लिश तस्नीम बलाकिया। एमए ज्योग्राफी तेजस्विनी साहब की थी। एमए ज्योग्राफी वंदा कुमारी डोरिया। एमए हिंदी लिटरेचर महिमा अगेता। एमए हिंदी लिटरेचर संगीता पाटीदार। आपको प्रोफेसर ललित चंद्र कुमार देवी शर्मा संसद मेडल मनमंडो सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एमए हिंदी पूजा शर्मा। एमए हिंदी शशि जैन। एमए होता है ख्याति सिंघी। एमए जर्नलिज्म दीपक वाल्का। एमए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल योगिता जहांगीर। एमए म्यूजिक वोकल विद्या जयपाली। एमए म्यूजिक वोकल विकास कलावत विशाल कलावत। एमए फिलोसॉफी तेजेंद्र कुमार भंडारी। एमए पॉलिटिकल साइंस नीलम वैष्णव। एमए पॉलिटिकल साइंस पल्लव जोशी। एमए साइकोलॉजी नीता खंडेलवाल। एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शिवानी पानावत। एमए संस्कृत लिटरेचर अभिषेक व्यास। सौम्य स्नान के अभी आगे एमए संस्कृत लिटरेचर आशा कुमारी तिवारी। लंबे से लड़की पीछे और वीडियो भी नहीं ठीक है और थोड़ा जूम करते हैं। एमए सोशियोलॉजी लीला नागदा। एमए सोशियोलॉजी विपुल मोहरा। क्या कर रहे हैं एम बी ए सोम्या सनाट। आपको मेहता जगत सिंह जगन्नाथ सिंह स्पॉन्सर्ड जिस प्राइज मेमेंटो सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। एम बी ए इंजीनियर सुप्ती चित्तौड़ा।
वीडियो बना एक दो पे और कट ये वाला एमसीए एकिता सोनी भरतपुरी गोस्वामी डॉक्टर सचिन मेमोरियल गोल्ड मेडल समिति में उनके शिष्यों द्वारा स्टूडेंट एलिवेटर द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। आपको भी सचिन मेमोरियल गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। एमकॉम एमबीए नेहा बाबवानी
तो कहीं कहीं भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान के चरणों में ही निरंतर संचालित होता है। यह भी बता देना बड़ा आवश्यक है कि यहाँ की संस्कृति में कहा गया है, माना गया है और आचरण में उसे रखा भी गया है कि ज्ञान से पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और उस ज्ञान को प्रदान करने वाला गुरु किस स्तर पर है इसके विषय में हम सब अच्छी तरह परिचित हैं। कबीरदास जी का वाक्य अद्भुत है जो यह कहता है कि गुरु का स्थान सर्वोपरि है और हम इससे भी परिचित हैं। हम सब लोग एक प्रकार के ज्ञान जो कि लौकिक ज्ञान है उसके द्वारा भौतिक जीवन की परिस्थितियों को संभालते हैं, लेकिन हमारा जो स्वरूप है वह केवल भौतिक शारीरिक नहीं है। हम केवल अन्नमय कोष वाले नहीं हैं, प्राणमय कोष वाले नहीं हैं, विज्ञानमय कोष वाले नहीं हैं, मनोमय कोष वाले नहीं हैं, आनंदमय कोष वाले नहीं हैं। मनुष्य की सत्ता व्यापक है, यह हमें याद रखने की आवश्यकता है और ज्ञान इस बहुआयामी बहुस्तरीय संरचना को संजीवनी प्रदान करने वाला माध्यम है। विद्या का अर्जन, ज्ञान का अर्जन हम अपने शिक्षा और उसके औपचारिक स्वरूप के रूप में देख रहे हैं, वह एक विशेष प्रकार का आयोजन है जो मनुष्य को वास्तव में असली रूप में मनुष्य बनाने का कार्य संपादित करती है। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय समाज विद्या, ज्ञान, शिक्षा को केंद्र में रखने वाला है। कई मनीषी तो ऐसा भी कहते हैं कि भारत इस शब्द का अर्थ अगर आप करें तो भार का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान और उसमें जो संलग्न है वह, या फिर यह भी कहा जाता है कि भारत अग्नि का अवगमन करने वाले जो समुदाय थे यहाँ या एक समुदाय था उसके आधार पर भारत यह नाम पड़ा। कहने का आशय यह है कि ज्ञान और प्रकाश के साथ भारत की प्रकृति का बड़ा निकट का संबंध रहा है और विद्या को निश्चित रूप से हमने सर्वाधिक महत्व दिया है और विद्या केवल तटस्थ भाव से ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। आज विज्ञान में वैल्यू न्यूट्रल साइंस की बात की जाती है, लेकिन उसका परिणाम तो परमाणु बम का निर्माण और विनाश की ओर भी ले जाने वाला है। हमारे यहाँ जो विचार हुआ है विद्या धर्मेण शोभते और धर्म हुआ है जो सबको धारण करे, जो जीवन को प्रदान करे और विद्या और ज्ञान के साथ एक शर्त और भी लगाई गई है कि हम विद्या के माध्यम से, ज्ञान अर्जन करने के माध्यम से विवेक का निर्माण करें। यह भी मैं याद दिलाना चाहूँगा कि परापरा का भेद और लौकिक और पारमार्थिक का भेद करने का यह अर्थ नहीं है कि अंतिम सत्य परमार्थ है। मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों लक्ष्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे मोटर के चार पहिए होते हैं, मैं समझता हूँ मनुष्य के जीवन की जो सर्वांगीण प्रगति है वह तभी संभव होगी जब हम इन चारों को ध्यान में रखेंगे। जब हम संस्कृत की बात करते हैं और विशेषतः ज्ञान की संस्कृत की बात करते हैं तो हमारा ध्यान शिक्षा की जो व्यवस्था है जिसके अंतर्गत ज्ञानार्जन हो रहा है
उसको हम विचार में ले रहे हैं। और इस पर यदि आप दृष्टिपात करेंगे तो आप गर्व का भी अनुभव करेंगे और दुख का भी अनुभव करेंगे। यह वही भारत है जहाँ पर तक्षशिला और नालंदा और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, विक्रमशिला भी है, उदंतपुरी भी है, बरही भी है, शारदा पीठ भी है, सोमपुरा भी है जो अब बांग्लादेश में चला गया। ये सब जो है अर्थात यहाँ पर बड़े बड़े पंडित अपने अपने विषयों के विद्वान कार्य करते हैं। पाणिनी अध्यापक के तक्षशिला में ऐसा पता चलता है। कहने का आशय हमारा यह है कि ज्ञान की एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ पर विश्व स्तर के अनेक विश्वविद्यालय भारत में संचालित हो रहे हैं और अब कहाँ पर हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं है। और हमारी चिंता है कि विश्व स्तरीय चिंतन का कार्य हम शुरू करेंगे। यहाँ मैं यह ध्यान दिलाना चाहूँगा कि भारत में औपनिवेशिक काल में शिक्षा का जो ढांचा ले आया गया और स्थापित किया गया वह निश्चित रूप से औपनिवेशिक जो साम्राज्यवादी दृष्टि थी उसके अनुरूप था और उसका लक्ष्य बड़ा सीमित था। ज्ञान का विस्तार नहीं था, विज्ञान का विस्तार नहीं था। वह अपने शासन के लिए जो उपयोगी सामग्री थी वह तैयार करना चाहती थी। मित्रों, यह एक बड़ा गंभीर विषय है कि जिस स्वराज की बात की गई उसमें वैचारिक स्वराज कुछ पिछड़ गया। शायद गांधी जी का जब स्वराज का आंदोलन चल रहा था तभी केसी भट्टाचार्य नामक के दार्शनिक ने यह लेख लिखा था, स्वराज इन आइडिया, विचारों में स्वराज रहना चाहिए। और वह विचारों में स्वराज तभी आएगा जब हम अपनी ज्ञान परंपरा को ध्यान में ले रहे हैं। मैं एक रोचक उदाहरण आपके सम्मुख रखना चाहूँगा, कुछ इस प्रकार का है वह, और उसका विवरण छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। जब नारद बहुत कुछ पढ़ गए, वेद पढ़ गए, महाकाव्य पढ़ गए, पुराण, व्याकरण, गणित आदि आदि सारे विषय, नक्षत्र विद्या, ब्रह्म विद्या सब कुछ, तो उनको लगा कि अभी भी बाकी है, सारा ज्ञान पाने के बाद भी ज्ञान बाकी है। तो समय के बड़े ज्ञानी पंडित थे, विद्वान संत कुमार, उनके पास वो जाते हैं तो उन्होंने कहा ऐसा तो मैंने पढ़ा है, मैं मंत्रवित हूँ पर अभी भी मुझे आत्मज्ञान नहीं है, मैं आत्मविद नहीं हूँ। संत कुमार ने कहा भैया जो कुछ आपने बताया वह तो शब्द मात्र है और शब्द ज्ञान नाकाफी है, अपर्याप्त है और आत्मज्ञान उत्तम है, श्रेष्ठ है। आत्मज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है और आत्मबोध किस प्रकार का हो, यहाँ पर एक प्रकार का भ्रम पैदा होता है कि यह तो निजी अस्तित्व के उत्कर्ष का एक उदाहरण है, लेकिन आत्म से विस्तृत कोई शब्द नहीं मिल सकता। वह आत्म अगर स्वामी विवेकानंद ने कहा आप आश्रय में, तो वह कहते हैं रामकृष्ण मिशन का लक्ष्य बनाया उन्होंने आत्मना मोक्षार्थम जगत हिता। तो आत्म का विस्तार जो यह करता है सर्वम खलिदम ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि, इस रचना में, इस वैचारिक रचना में यह आत्म बड़ा समावेशी है। वह किसी से भेदभाव नहीं करता है, वह सबको उसमें शामिल करता है। तो जिस आत्मबोध की बात है वह स्वार्थ वाला नितांत अपने शरीर तक सीमित रखने वाला स्व या आत्म का बोध नहीं है, वह एक विशालतर प्रयोजन से जुड़ा हुआ आत्मबोध है जो सबके कल्याण की चिंता करता है, अपने कल्याण की चिंता करता है। ऐसा नहीं,
भारत की जो शिक्षा की जो व्यवस्था थी वह कहीं न कहीं पूरे जीवन में और सामाजिक जीवन में, पूरे जीवन का अर्थ मेरा था व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन, इसके बीच में पारस्परिक संबंध रहता था और जो शिक्षा का जो परिवेश था उसमें जो गुरु रहते थे उल्लेख मिलता है कि तब भी कुलपति होते थे जो 10,000 शिष्यों को रखते थे, उनके भोजन की व्यवस्था करते थे, उनकी हर तरह की व्यवस्था करते थे। कर्ण इसी तरह के एक गुरु थे। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं, भारद्वाज का भी नाम आता है, वशिष्ठ भी हैं। तो ज्ञान की एक व्यापक परंपरा रही है और उसका एक मूल पक्ष है ज्ञान तपस्या से मिलता है, तप से मिलता है, और वह तप शरीर से भी होता है, मन से भी होता है, वाणी से भी होता है। तो एक विशेष तरह का प्रयास आप करते हैं, अपने आप का परिश्रम करते हैं, एक तरह का अनुशासन अपने में ले आते हैं, तब आपको ज्ञान प्राप्त होता है। और यह कोई कल्पना नहीं है, अभी भी भिन्न भिन्न विषयों में जितने ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं, केवल संस्कृत कोश अगर आप लें तो आपको यह तो मानना पड़ेगा कि किसी मस्तिष्क की रचना है, किसी काल में हुई रही होगी, क्योंकि उसका अस्तित्व तो है। उपनिषद है, काव्य है, आयुर्वेद है, योग है, गणित है, तो ये रचना किस समय हुई थी, किस तरह की वैचारिक प्रक्रिया के तहत ये सारा कुछ हो रहा था। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं, पिछले 75 वर्षों में हमारी उपलब्धि दुर्भाग्य से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ अनुकरण मूलक रही है। हम पश्चिम में जिस प्रकार का ज्ञान होता है, दो कदम पीछे उससे रहते हैं। आज जो हमारे साथ हुआ, कल यहाँ होगा, फिर वहां जो होगा उसके बाद भविष्य द्वारा आएंगे, और हमारे द्वारा किए गए शोध का वैश्विक शोध में बहुत कम महत्व रहता है। आज विश्व के जितने भी बड़े देश हैं उनकी वैश्विक उपस्थिति और सत्ता और अधिकार और शक्ति का एक प्रमुख कारण है कि ज्ञान में उन्होंने वृद्धि की। चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली, कोई भी आप लीजिए, अमेरिका हो, सारे इंग्लैंड हो, वो सब अपनी भाषा में अध्यापन करते हैं, शिक्षा करते हैं, और उसके बावजूद भी चीन अब चंद्रमा पर जो है अपना सबको ताल माल ले जा रहा है, कर रहा है, वैज्ञानिक कार्य कर रहा है। हम भाषा के बारे में कहीं कहीं पर एक संकोच के भाव से रहे, भारतीय भाषाओं में अध्ययन अध्यापन ठीक नहीं है और उससे कल्याण नहीं होने वाला है, हमको लगता भी है कुछ ऐसा है क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से हमको प्राप्त होता है, लेकिन फ्रेंच में जो काम हो रहा है, इटालियन में जो है, जर्मन में जो है, उसका पता हमको नहीं है। अंग्रेजी कितनी वैश्विक भाषा है यह विचार करने का है, बहुत सारा ज्ञान का हिस्सा है जिससे हम परिचित नहीं रहते हैं। हमको अगर भाषा देखनी है तो अन्य भाषाओं पर भी विचार करना पड़ेगा और अपनी भाषा में विचार करना, सोचना, सिद्धांत बनाना, संवाद करना अधिक आसानी से संभव होता है, अन्यथा हमारी मानसिकता केवल अनुवाद की रह जाती है, अनुकरण की रह जाती है। और जिस सृजनात्मकता की आवश्यकता ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए चाहिए वह नहीं है। यह मुद्दा बड़ा कठिन है हमारे सामने, हमारे हाथ पांव बंध गए हैं अंग्रेजी में और उसी के माध्यम से हम सब कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि गांव के लोगों में खुशी कितनी है इसका अध्ययन भी आप दूरदर्शी मापक से करेंगे और देखेंगे। बहुत सारी कठिनाइयां पैदा होती हैं, विशेष रूप से समाज विज्ञान में जब आप उन्हीं दृष्टियों को, उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं विचारों संपत्तियों का उपयोग करते हैं तो आप
वास्तविकता या जो सामाजिक यथार्थ का स्वरूप है उसको ग्रहण कर पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। यह हमारे लिए चिंतन का विषय है कि हम जिस संस्कृति में हैं उस संस्कृति को समझने के लिए उस संस्कृति के विचारों का उपयोग न करके उन विचारों का उपयोग करते हैं जो इस संस्कृति में नहीं है, लेकिन उन खांचों में देख करके उन्हीं में फिट कर देते हैं। ये हमारी बड़ी भारी विपत्ति है पूरे शिक्षा के आयोजन में। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि आप सब लोग शिक्षा के शोध के उच्च स्तरीय कार्य में संलग्न हैं और इन प्रश्नों से रूबरू होते रहते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, केवल पॉजिटिविस्ट या विधेयवादी सोच नहीं है, उत्तर विधेयवादी सोच भी आई है और सत्य की बहुलता के बारे में भी चर्चा हो रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको उन खांचों को उन सांचों को विचारपूर्वक विकसित करना चाहिए जो हमारे पास उपलब्ध हैं। शायद उसमें ऐसे विचार हों जिसको समझने के लिए उन विदेशी विद्वानों को भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर वह कैसे कार्य करता है। हम इसके लिए विद्या प्रदान करने की जो पद्धति है, शिक्षा की जो पद्धति है, वहाँ पर एक जगह पाते हैं जहाँ पर प्रवेश किया जा सकता है। शिक्षा अनेक तरह के संकटों से गुजरती हुई पिछले 75 वर्षों में कम से कम आगे बढ़ी है। तरह तरह के प्रयोग हुए हैं, प्रायः ये प्रयोग हमारे बाहर की नकल के रहे हैं, मूलभूत परिवर्तन ले आने का कोई प्रयास नहीं हुआ। नई शिक्षा नीति में इस तरह का चिंतन हुआ है कि किसे क्या पढ़ना चाहिए, इसके लिए उसकी बुद्धि और उसकी क्षमता और उसके टैलेंट प्रतिभा के अनुरूप अवसर मिले और इसलिए भिन्न भिन्न विषयों में आपस में आवाजाही को अधिक अवसर देने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रस्ताव भी है कि भारत की भाषाओं का बचपन से ही अनुभव हो और यह भी कि मातृभाषा में यथासंभव आरंभ से लेकर और ऊपर तक शिक्षा दी जाए। ये कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो कि शिक्षा की जो पारिस्थितिकी है, जो इकोलॉजी है, उसको परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाने वाले हैं और वह परिवर्तन शायद हमारे लिए काम में होगा, हमारे विद्यार्थियों के ज्ञान के स्तर के उन्नयन में सहायक होगा। बहुत सारा कुछ हम जो पढ़ते हैं, क्षमा करेंगे हमारे मित्र, हम भी उसमें शामिल हैं, विदेश की जो पुस्तक है उसको उठाया, लेटेस्ट जो वहाँ की पुस्तक है उसको उठाया और उसमें लेटेस्ट जो टॉपिक है उनको हमने रख लिया और हमने सोचा कि हमने तीर मार दिया, हम आगे बढ़ गए, लेकिन उन्हीं के पीछे चलने के लिए आगे बढ़ गए। हम कभी भी यह विचार नहीं करते कि हमारे विचार किस प्रकार के होने चाहिए या हो सकते हैं। हम लोग रिसर्च मेथड की बात करते हैं, भारतीय चिंतन में प्रमाण की बात है और वाद की बात है और तमाम तरह की त्रुटियों और उनके निवारण का उपाय है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी संभावना है जिसका उपयोग समाज वैज्ञानिक नहीं करता। मनुष्य एक अद्भुत जीव है और मनुष्य का एक अर्थ होता है मत्वा कर्माणि सीव्यति, सोच विचार करके विवेक के आधार पर निर्णय ले और कदम बढ़ाए और सभी ऋग्वेद में बड़ा छोटा सा एक विचार आया है मनुर्भव मनु हो वो, और उसका अर्थ यही है कि विचारशील प्राणी बनो, शिक्षा में अंधानुकरण काम नहीं करेगा। जब तक उसमें सृजनात्मकता नहीं आएगी, आत्मविश्वास नहीं आएगा, अपने ढंग से अपनी संस्कृति अपनी समस्याओं पर विचार करने के लिए हम तत्पर नहीं होंगे, तब तक कोई ऐसा
उपाय नहीं होगा जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। मैं आलोचना नहीं कर रहा, जो कुछ हुआ है वह जो हुआ जैसे हुआ वह एक वास्तविकता है, लेकिन उसे अच्छा हो सकता था। आज यह अवसर है जब हम 75 वर्ष के बाद एक संकल्प की अवधि में हैं, और उस संकल्प की अवधि में हमने सोचा है कि हम भारत को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा शब्द है कि भारत विश्वगुरु था। विश्वगुरु होने का कोई यह अर्थ नहीं है कि हर जगह के विद्यार्थी आज हैं, बिजनेस थोड़ा बढ़ गया इस तरह का, ग्लोबलाइजेशन की जो नई धारा है उसके अंतर्गत यह घटित हो रहा है। किस तरह की पद्धति चल रही है आप अनुभव स्वयं करते होंगे। मैं समझता हूँ कि जब तक हम मनुष्य को उसके विवेक को जागृत नहीं करेंगे और उसे उसकी संस्कृति से जोड़ेंगे नहीं, तब तक शिक्षा का कार्य अपर्याप्त रहेगा। हमारा ये दायित्व बनता है कि इस प्रकार का जागरण पैदा हो और जिस तरह का कौशल, जिस तरह की क्षमता होनी चाहिए, उस तरह की कौशल और क्षमता से युक्त हमारे विद्यार्थी। आज शिक्षा की पद्धति में अध्यापकों की भूमिका के ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए। उसका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि शिक्षा की जो पारिस्थितिकी है, जो इकोलॉजी है, उसमें टेक्नोलॉजी का भीषण रूप से प्रवेश हो गया है, और अब इतनी अधिक सामग्री डिजिटल फॉर्म में गूगल पर और इंटरनेट पर उपलब्ध है कि अगर वही कुछ आप स्वयं अध्यापक के रूप में कर रहे हैं तो आप व्यर्थ हो जाएंगे। अध्यापक किस तरह के चिंतन को विद्यार्थी में प्रतिष्ठापित करे, कैसे उसे प्रेरित करे, इसके लिए नई सोच की आवश्यकता है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए समय की जिम्मेदारी में अपनी संस्कृति में बैठ करके हमको अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा। यह नई सदी की आवश्यकता है और अमृत काल का यह संकल्प होना चाहिए। इस दीक्षांत समारोह में उपाधि पा रहे मेरे जितने मित्र स्नातक विद्यार्थी हैं, सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी योग्यता और कौशल से जीवन में सफल होंगे। भारत आपकी ओर आशा से देख रहा है। मुझे विश्वास है आप उसके भरोसे का आदर करते हुए देश के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आप ही देश के वास्तविक सूत्रधार हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। आज के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय बरका के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश मिश्री, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर इंद्रवर्धन त्रिवेदी जी, आज मानव उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टर लक्षराज सिंह जी एवं डॉक्टर देवेंद्र काजरिया जी, विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल एवं अकादमिक परिषद के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठातागण, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, सभी संकाय सदस्य, सम्मानित अतिथिगण, आज दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे पदक तथा उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकगण, अन्य छात्र बंधुगण, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, यह बहुत ही सुखद है कि विश्वविद्यालय आज अपना 30वां दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है। इस शुभ अवसर पर आप सभी के साथ यहाँ आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति, और शिक्षा का अपने लिए ही नहीं अब समाज और राष्ट्र के लिए भी समर्पित होकर उपयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी राष्ट्र के कर्तव्य के रूप में
उसके सर्वांगीण विकास, उत्थान और संपन्नता के लिए कार्य करेंगे। शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की बहुमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा का अर्थ ही होता है सीखना और सिखाना। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसकी निरंतरता बराबर बनी रहती है, ये कभी समाप्त नहीं होती। प्रक्रिया उसी प्रकार से है जिस तरीके से उपनिषद के मंत्र में हम कहते हैं चलेंगे चलेंगे चलेंगे, लगातार बढ़ते जाओ चलते जाओ, रुको नहीं। यह प्रक्रिया रुकने वाली नहीं, जिसका कभी अंत नहीं होता है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को चाहिए कि वे सीखने और सिखाने की दोनों ही क्रियाओं से अपने को सदा जोड़े रखें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था कि शिक्षा का सिर्फ जानकारी देना ही नहीं है, शिक्षा बौद्धिक रूप से व्यक्ति को संपन्न करती है। उनके कहने के निर्धार में जाएंगे तो पता चलेगा शिक्षा तब तक उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण नहीं करेगी जब तक वह संवेदनशीलता से प्रदान नहीं की जाएगी। मैं यह मानता हूं कि सूचनाओं का, जानकारियों का अपना महत्व है, परंतु वह व्यक्ति को यांत्रिक अधिक बनाते, बौद्धिक रूप से संपन्न कराने वाला ज्ञान जिसके बारे में आज हमारे श्री मिश्र जी ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है, वह ज्ञान जब तक संवेदनशीलता से संप्रेषित नहीं किया जाएगा तब तक उस ज्ञान का महत्व नहीं है। विश्वविद्यालय आचार्यों से मेरी यह अपेक्षा है कि वे जो पढ़ाएं उसके बल मिल जाए, पहले उसे स्वयं हृदय से आत्मसात करें और फिर उस ज्ञान को विद्यार्थियों में बांटे। मैं चाहता हूं कि आपका यह विश्वविद्यालय शिक्षण में नवाचारों का संवाहक बने। ये विश्वविद्यालय में नवाचार की प्रक्रिया लगातार चलती रही है, वह रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षण में नवाचार का अर्थ है शिक्षा को और अधिक अर्थवत्ता प्रदान करना, शिक्षा को रोचक नव आनंदपूर्ण बनाने का प्रयास करना। अभी स्थिति यह कि जो कुछ पढ़ाया जाता है वह परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से तैयार होता है। होना ही चाहिए कि विश्वविद्यालय की कक्षाओं में पढ़ा हुआ इतना रोचक और आनंदवर्धक हो कि केवल परीक्षा के समय में ही नहीं बल्कि जीवन पर्यंत विद्यार्थी की स्मृति में बसा रहे। इसके लिए शिक्षा में ऐसे नवाचार किए जाने की आवश्यकता है जिससे विद्यार्थियों में पढ़ाए जाने वाले विषय के प्रति उत्सुकता बढ़े। पढ़ाई के समय विद्यार्थी पढ़ाए हुए विषय से नवचेतना संचरण महसूस करता है, विद्यार्जन से विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आप सभी ने इस बात पर गौर किया होगा कि जब कभी किसी विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार पर लिखा होता है शिक्षार्थ प्रवेश। व्यक्तित्व निर्माण की यह प्रक्रिया प्राथमिक शाला से प्रारंभ होती है और यह विश्वविद्यालय में संपन्न होती है। परंतु मैं यह भी मानता हूं कि शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती। केतले ब्राह्मण का बहुत शुद्ध मंत्र है चलेंगे चलेंगे, जिसका मैंने जिक्र किया, अर्थ है चलते रहो चलते रहो। शिक्षा की सार्थकता भी इसी में है, हम थमे नहीं, जितना किताबों से अनुभवों से और दूसरे लोगों से मिले उसे अपने ज्ञान में सम्मिलित करते चले, इसी से जीवन के प्रति नई दृष्टि का विकास होगा। ज्ञान विज्ञान और दर्शन के माध्यम से व्यक्तित्व का संस्कार ही शिक्षा का मूल होना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में इसी को केंद्र में रखकर कार्य करने की आवश्यकता है। देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति
इसी उद्देश्य से तैयार की गई। शिक्षा व्यवहारिक बने, इस नींद में शिक्षण ही शिक्षण की नई पद्धतियों, ज्ञान के प्रसार के नवाचारों के साथ विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य यही है कि भारत ज्ञान की महाशक्ति के रूप में विश्व भर में अग्रणी हो। इसी के कारण इसमें उच्च स्तरीय गुणवत्ता शिक्षा को सर्वोपरि रखते हुए विशेष प्रावधान रखे गए। इसमें देश के विद्यार्थियों को संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव आदि पर विशेष जोर दिया गया है। बच्चे के ज्ञान कौशल के साथ ही उसके सर्वांगीण विकास के लिए नई शिक्षा नीति में विशेष प्रावधान निर्धारित किए गए। मैं यह मानता हूं यह ऐसी नीति है जिससे युवाओं को सक्षम करने के साथ ही उनके समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। विश्वविद्यालय में सीखने के लिए बेहतरीन वातावरण निर्माण, विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार भविष्य में जॉब के लिए तैयार करने के प्रशिक्षण, बहुविषय शिक्षा आदि के अंतर्गत यह नीति ज्ञान आधारित हमारे प्राचीन शिक्षा पद्धति का आधुनिक दृष्टि से और समय संदर्भों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक तरह से पुनः परिचित की गई है। मैं चाहता हूं नई शिक्षा नीति के आलोक में विश्वविद्यालयों को इस तरह के पाठ्यक्रम तैयार करने चाहिए जिससे विद्यार्थियों में स्वावलंबन के साथ बौद्धिक रूप से हर क्षेत्र में संपन्न होने की चाह जगे। हमारे यहाँ कहा गया सा विद्या या बुद्धि, कहने के लिए इसका बहुत सीधा सा अर्थ है, विद्या में समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त करती है। परंतु मैं जितनी भी बार इसका पढ़ाया करता हूं और भी बहुत से अर्थ मुझे इसके खुलते नजर आते हैं। शिक्षा में बोझिल होने से मुक्त करती है, माने शिक्षा के अंतर्गत ज्ञान के जितने भी उपादान होते हैं उन्हें निरंतर मस्तिष्क में लाद कर रखने की जरूरत नहीं, उनका बोझ ढोने की जरूरत नहीं, उनका शिक्षा और सार्थक है जो बुनियादी ज्ञान से संपन्न करने के बाद उसके अहम से हमें मुक्त करे। बहुत बड़ी बात यह है कि शिक्षा हमें बंधनों से मुक्त करती है। बंधनवा जिनका हम भाग होते हैं, इसलिए आप देखिए हमारे यहां शिक्षा का पहला पाठ है विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या विनय, विद्या विनय का पाठ पढ़ाती है। विनय के पाठ का अर्थ है कितना ही ज्ञान हम प्राप्त कर लें परंतु उसका घमंड नहीं करें, यही सार विद्या या रूप है। यानी शिक्षा इस बंधन से हमें मुक्त करती है कि उससे जुड़ा ज्ञान तो हम अपने पास रख लें परंतु उसके अहंकार से हम मुक्त हो जाए। इससे मुक्त होना ही सही माने बंधनों से मुक्त होना है। ऋग्वेद की इच्छा है आनो भद्रा कृत्वा जन्तु सुखो, अर्थ है कल्याणकारक विचारों, उच्चता को पहुंचाने वाले शुभकर्म चौहों से हमारे पास आए, असल में यह ऋचा नहीं स्वस्थ वाचन है। शिक्षा में इसका गहरा अर्थ है, इसके मन में जाएंगे तो पाएंगे हम सदा शुभता के लिए तभी कार्य कर सकेंगे जब अच्छे विचार हमारे पास सभी दिशाओं से आएंगे। इसलिए ज्ञान कहीं से भी मिले उसे लेने का प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, उसको करना ही चाहिए। हमारे यहाँ गुरुकुलों में समग्र शिक्षा की गौरवशाली परंपरा रही, उस शिक्षा का मूल यही था कि विद्यार्थी को हर एक विषय की थोड़ी बहुत जानकारी मिले। इसका उद्देश्य यही रहा है कि जीवन व्यवहार में बाद में विद्यार्थी किसी स्तर पर किसी विशेष ज्ञान के अभाव के कारण अटके भटके गए। नालंदा तक्षशिला और पुष्पगिरी जैसे महान विश्वविद्यालयों में विश्व के सभी हिस्सों से छात्र शिक्षण के लिए आते थे। शिक्षण संस्थानों में नैतिक मूल्यों आचार विभाग में उच्चता की श्रेष्ठतम शिक्षा प्रदान की जाती थी। मैं चाहता हूँ शिक्षा की
हमारी प्राचीन परंपरा से सीख लेते हुए वर्तमान संदर्भों में उपयोगी अनुभव आधारित ऐसी अंतर विषय शिक्षा विश्वविद्यालय प्रदान करें जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो, उसके चिंतन में निखार आए और स्वयं के स्तर पर उस शिक्षा से विद्यार्थी मौलिक स्थापनाओं के लिए निरंतर आगे आकर अपनी पहचान बनाए। विश्वविद्यालयों में शोध और अनुसंधान में भी स्थानीय कलाओं, संस्कृति और जीवन से जुड़े उच्च आदर्शों की पुनर्स्थापना से जुड़े विषयों को सम्मिलित किया जाए। शोध में इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाए कि अब 5-10 पुस्तकों की मदद से तैयार कोई ग्रंथ नहीं हो, बल्कि मौलिक स्थापनाओं पर आधारित ज्ञान की ऐसी धारा उसमें बहे जिससे समाज बेहद स्तर पर लाभान्वित हो सके। शिक्षा में लोकतंत्रीकरण का मैं आरंभ से ही पक्षधर रहा हूं। मेरा यह मानना है कि जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय में प्रदान की जाए उसका प्रसार सुदूर क्षेत्रों तक हो, वही ज्ञान सार्थक है जिसका लाभ अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे, वही शिक्षा उपयोगी है जिसका उपयोग मानव विकास, राष्ट्र निर्माण और विद्यार्थियों के समृद्ध और टिकाऊ वैश्विक भविष्य के निर्माण में हो। इसके लिए विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ ही अनुसंधान की ऐसी राहों का निर्माण करना होगा जिसमें स्थानीय ज्ञान संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग कर विद्यार्थियों के जीवन को नई दिशा दी जा सके। मुझे जानकर सुखद लगा है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने शिक्षा क्षेत्र में बहुत से नवाचार अपनाए हैं। इसी के तहत फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर की स्थापना की गई है। इससे विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण तकनीकी ज्ञान के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। विश्वविद्यालय ने आधारभूत और ढांचागत विकास की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किए। मुझे जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि पीएचडी रेगुलेशन 2022 जो अभी नवंबर माह में ही गजट नोटिफाई हुआ है उसे विश्वविद्यालय ने बिना विलंब के स्वीकृत और अंगीकृत कर दिया है। इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। ऐसा करने वाला यह विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। शिक्षा और शोध परस्पर जुड़े हुए, मैं विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शोधकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि वे अपने शोध का लाभ आम जनजीवन, ग्राम दानी और आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन के उत्थान के लिए करें। विज्ञान और तकनीकी के इस युग में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक लाभ देते हुए हमें अपनी पहुंच को और व्यापक बनाना होगा। हमें ऐसे मॉड्यूल तैयार करने होंगे जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिकताओं को पूरा करने वाले हो। समाज के किसी भी क्षेत्र में काम करता हुआ व्यक्ति अपने निजी और संस्थागत विकास के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड मॉड्यूल और कोर्स कंटेंट तैयार करने की दिशा में भी पहल करनी होगी। यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे कर रहा है। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अपने अमृत महोत्सव के दशक में प्रवेश करने के साथ साथ देश और दुनिया में अपनी उपलब्धियों और नवाचारों के साथ प्रतिष्ठा अर्जित करे। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय प्रदूषण मुक्त परिसर बनाने की दिशा में भी कार्य कर रहा है। इसे प्रथम चरण के रूप में ई रिक्शा की सुविधा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। मैं परिसर में मौजूद दोनों विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षा करता हूँ कि वे मिलकर राज्य में ऐसा आदर्श स्थापित करें जो पूर्णतः प्रदूषण मुक्त हो। ग्रीन परिसर के साथ ही ग्रीन सोलर कॉरिडोर की क्षमता अभिवृद्धि करते हुए विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने जैसे कार्य भी प्राथमिकता से यहाँ हो। मैं चाहता हूँ युवा पीढ़ी को जागृत करने के उद्देश्य से आपका यह विश्वविद्यालय शिक्षा और शोध की नवीन संस्कृति का विकास आगे आकर अपनी पहचान बनाए। विश्वविद्यालयों में शोध एवं अनुसंधान में भी स्थानीय कलाओं, संस्कृति
और जीवन से जुड़े उच्च आदर्शों की पुनर्स्थापना से जुड़े विषयों को सम्मिलित किया जाए। शोध में इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाए कि अब 5-10 पुस्तकों की मदद से तैयार कोई ग्रंथ नहीं हो, बल्कि मौलिक स्थापनाओं पर आधारित ज्ञान की ऐसी धारा उसमें बहे जिसे समाज बृहद स्तर पर लाभान्वित हो सके। शिक्षा में लोकतंत्रीकरण का मैं आरंभ से ही पक्षधर रहा हूं। मेरा यह मानना है कि जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय में प्रदान की जाए उसका प्रसार सुदूर क्षेत्रों तक हो, वही ज्ञान सार्थक है जिसका लाभ अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे, वही शिक्षा उपयोगी है जिसका उपयोग मानव विकास, राष्ट्र निर्माण और विद्यार्थियों के समृद्ध और टिकाऊ वैश्विक भविष्य के निर्माण में हो। इसके लिए विश्वविद्यालयों में शिक्षक की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ ही अनुसंधान की ऐसी राहों का निर्माण करना होगा जिसमें स्थानीय ज्ञान संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग कर विद्यार्थियों के जीवन को नई दिशा दी जा सके। मुझे जानकर सुखद लगा है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने शिक्षा क्षेत्र में बहुत से नवाचार अपनाए हैं। इसी के तहत फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर की स्थापना की गई है। इससे विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण तकनीकी ज्ञान के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। विश्वविद्यालय ने आधारभूत और ढांचागत विकास की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मुझे जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि पीएचडी रेगुलेशन 2022 जो अभी नवंबर माह में ही गजट नोटिफाई हुआ है उसे इस विश्वविद्यालय ने बिना विलंब किए स्वीकृत और अंगित कर लिया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। ऐसा करने वाला यह विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। शिक्षा और शोध परस्पर जुड़े हुए, मैं विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शोधकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि वे अपने शोध का लाभ आम जनजीवन, ग्राम डाणी और आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन के उत्थान के लिए करें। विज्ञान और तकनीकी के इस युग में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक लाभ लेते हुए हमें अपनी पहुंच को और व्यापक बनाना होगा। हमें ऐसे मॉड्यूल तैयार करने होंगे जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकताओं को पूरा करने वाले हों। समाज के किसी भी क्षेत्र में काम करता हुआ व्यक्ति अपने निजी और संस्थागत विकास के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड मॉड्यूल और कोर्स कंटेंट तैयार करने की दिशा में भी पहल करनी होगी। यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे कर रहा है। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अपने अमृत महोत्सव के दशक में प्रवेश करने के साथ साथ देश और दुनिया में अपनी उपलब्धियों और नवाचारों के साथ प्रतिष्ठा अर्जित करे। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय प्रदूषण मुक्त परिसर बनाने की दिशा में भी कार्य कर रहा है। इसे प्रथम चरण के रूप में ई रिक्शा की सुविधा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। मैं परिसर में मौजूद दोनों विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षा करता हूं कि वे मिलकर राज्य में ऐसा आदर्श स्थापित करें जो पूर्णतः प्रदूषण मुक्त हो। ग्रीन परिसर के साथ ही ग्रीन सोलर कॉरिडोर की क्षमता अभिवृद्धि करते हुए विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने जैसे कार्य भी प्राथमिकता से यहाँ हो। मैं चाहता हूँ युवा पीढ़ी को जागृत करने के उद्देश्य से आपका यह विश्वविद्यालय शिक्षा और शोध की नवीन संस्कृति का विकास करे। इस तरह अतीत की गौरवशाली परंपराओं को सहज से ही इस तरह से कार्य हो कि भविष्य का चहुंमुखी विकास हो सके। इससे सही मायने में शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। दीक्षांत समारोह के इस पुनीत अवसर पर एक बार पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दीक्षा और उपाधि प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों और शोधार्थियों के मंगलमय जीवन की भी मैं इस अवसर पर कामना करता हूं। विश्वास है विश्वविद्यालय से ज्ञान प्राप्त कर निकल रही है पीढ़ी सुदृढ़ समाज
सुदृढ़ समाज और ज्ञान संपन्न राष्ट्र के निर्माण में अपना अहम योगदान देगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है। इतनी बात कहकर आपने आयोजकों ने मुझे यहाँ बुलाकर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर उपलब्ध कराया, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान, आपके आशीर्वचन से विश्वविद्यालय परिवार का उत्साहवर्धन हुआ है। पुनः हृदय से आभार एवं धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि वे मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। कुलपति महोदय से निवेदन है कि वे माननीय कुलाधिपति महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय से पुनः निवेदन है कि आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। कुलपति महोदय से अनुरोध है कि वे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर देवेंद्र झाझरिया जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। कुलपति महोदय से अनुरोध है कि वे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ को स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद श्रीमान। माननीय कुलाधिपति महोदय, आपसे प्रार्थना है कि आप दीक्षांत समारोह का समापन करने की अनुमति प्रदान करें। मेरी अनुमति है। कुलाधिपति महोदय की अनुमति से दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। मैं विश्वविद्यालय कुल सचिव श्री छोभाराम देवासी जी से अनुरोध करती हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय आदरणीय कलराज जी मिश्र साहब, दीक्षांत पासन प्रदान करने वाले प्रोफेसर गिरीश्वर जी मिश्र साहब, पूर्व कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, आज मानद उपाधि ग्रहण करने वाले डॉक्टर देवेंद्र जी झाझड़िया साहब एवं डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़, प्रोफेसर आनंद जी पालीवाल साहब भारत के विधि आयोग के सदस्य और विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल एवं अध्यापक मंडल के सदस्यगण, अतिथिगण, संकाय सदस्यगण, शैक्षणिक कर्मचारीगण, उपस्थित शिक्षाविद, गणमान्य नागरिक बंधुओं, छात्र संघ के पदाधिकारियों, एलुमनी, मीडिया कर्मी बंधुओं, विद्यार्थियों एवं अभिभावकगण, आप सभी का विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में अपना अमूल्य समय निकाल करके पधारने एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को आशीर्वाद देने के लिए विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद एवं आभार, तथा भविष्य में भी आप सभी का सानिध्य इस विश्वविद्यालय में मिलता रहे इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत। धन्यवाद श्रीमान। सदन में उपस्थित सभी से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े हों।
सभी अपने स्थान पर खड़े रहें। एक बार पुनः सभी का धन्यवाद एवं आभार। सभी उपस्थित महानुभावों से निवेदन है कि वे अकाल्पनिक प्रोसेशन की वापसी तक अपने स्थान पर खड़े रहें एवं सदन की गरिमा को बनाए रखें। Thank you.